जब सम्राट अशोक की आयु महज 18 वर्ष की थी, तब राजा बिंदुसार ने उज्जैन का प्रतिनिधि नियुक्त किया और वहां शासन व्यवस्था देखने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया। सम्राट अशोक देखने में बहुत ही सुंदर और लंबे चौड़े कद के इंसान थे। उज्जैन में प्रतिनिधि नियुक्त होने के 2 साल बाद अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र आ रहे थे। पाटलिपुत्र के बीच विदिशा शहर पड़ता था। जब सम्राट अशोक विदिशा शहर से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या पर पड़ी। सम्राट अशोक ने जब पहली बार उस सुंदर कन्या को देखा तो अपनी नजर हटा नहीं पाए। पहली ही नजर में सम्राट अशोक उस लड़की से प्रेम कर बैठे। उस लड़की का नाम देवी था, जो कि शाक्यवंशी थी। अशोक ने देवी के सामने अपने दिल की बात खुलकर रखी, जिसे देवी ने स्वीकार भी कर लिया और देवी सम्राट अशोक की प्रेमिका बन गई। सम्राट अशोक के सामने आगे जाके शादी के बारे में देवी ने एक शर्त रखी। देवी ने कहा कि शादी करने के लिए वह तैयार है, लेकिन आजीवन वह विदिशा में ही रहेगी, पाटलिपुत्र नहीं आएगी। सम्राट अशोक ने अपने प्रेम के खातिर देवी की यह शर्त मान ली और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। कुछ ही वर्षों के बाद सम्राट अशोक और देवी को एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संगमित्रा था। सम्राट अशोक बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे, उस वजह से उनके बच्चे भी भगवान बुद्ध के शरण में आजीवन बिताने का फैसला किया। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका चले गए और कुछ ही दिनों के बाद पुत्री संगमित्रा भी श्रीलंका चली गई। ऐसा कहा जाता है दोनों भाई श्रीलंका जाने के बाद कभी भारत नहीं लौटे और वहाँ पे ही भगवान बुद्ध के धम्म का प्रसार और प्रचार किया। इस तरह से सम्राट अशोक की और देवी की प्रेम कहानी अमर हो गई।